क्या दिक्कत है? आप बोले नहीं अपने। लातेहार जिला के मानिका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के गर्भ में दो बच्चे पल रहे थे। जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो लातेहार से रांची रिम्स गर्भवती महिला को लेकर लेबर रूम पहुंचाया गया। दो नवजात शिशु का जन्म हुआ और इसके बाद समस्याएं ऐसी आ गई कि अब मां को नवजात शिशु नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिजन जब प्रशासन से पीड़ा सुनाते हैं तो उससे अब डराया धमकाया भी जा रहा है। क्या दिक्कत है? आप बोले नहीं अपने। सुनिए, दरअसल हुआ क्या है कि 10 दिसंबर को लेबर पेन होने के बाद महिला लातेहार से रिम्स पहुंची और भर्ती हुई। 11 दिसंबर को जुड़वा बच्चे को जन्म दी। दोनों बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरा बच्चा कमजोर होने के कारण उसका इलाज दूसरे वार्ड में चल रहा था, इसके कारण उसका बच्चा उसके पास नहीं था। बच्चे की दादी उसे रोज देखने के लिए जाया करती थी। गुरुवार दोपहर 3 बजे जब वह बच्चे को देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि बच्चा नहीं है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर से बोल रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं। अब रिम्स के लेबर रूम से गुरुवार की शाम एक नवजात की चोरी के बाद बच्चे की मां मालती देवी और पिता संतोष घासी ने आरोप लगाया है कि रिम्स के चिकित्सकों ने उसके एक बच्चे को गायब कर दिया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में दो बच्चे की बात भी सामने आई थी। पुलिस लोग बोलता है कि उधर जाइएगा तो हम जेल कर देंगे और मारबो करेंगे, और सब साइन उन करवा लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। अब बोलता है कि आपको बच्चा नहीं है, मरा हुआ बच्चा दे दिए। तो एक बच्चा है, दो बच्चा मरल दे दिया, बच्चा के लेके हम मनमाटी कर दिए। एक बच्चा मिलिए नहीं रहा, बच्चा खोज रहे तो उल्टी हमारे न केस करता है, तो हम छोड़ दे जाए। मैं जानवा